Welcome to the Garima Iftar show. In today's episode, we have with us Gaurav Bidhuri, who is the fourth Indian boxer ever to get medal at World Boxing Championship. Gaurav was only 13 years old when he made an international debut in 2007. He was the first Indian to play for two foreign teams in the World Series Boxing, the Italian team in 2015 and the US team in 2016. He has also won many medals for India in international competitions like Asian Games, World Olympic Qualifier and Asian Championship. Currently ranked 11th in the world, Gaurav was nominated for Arjuna Award for 3 years consecutively, that is in 2018, 19 and 2020. Gaurav, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you so much, ma'am. So, गौरव बताइए आप एथलीट्स के बीच में ये बहुत आम एक कहावत है कि सब दिमाग में है, इट इज़ ऑल इन द माइंड. सो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपका सबसे इम्पोर्टेंट आपकी इम्पोर्टेंट स्ट्रेंथ क्या है? माइंड की अपने बात की तो माइंड हमारा सब लोगों का, इवन इट्स नॉट अबाउट स्पोर्ट्स, किसी भी फील्ड में है सब कुछ. इट्स योर माइंडसेट. आपका माइंडसेट कितना स्ट्रांग है, हाउ स्ट्रांग यू आर फ्रॉम योर माइंड, दैट मैटर्स मैम. अगर आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप यू कैन अकम्प्लिश एनीथिंग. सो इन स्पोर्ट्स ऑफ कोर्स इट्स माइंड गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट मैम. हम मेहनत करते हैं, स्टैमिना बनाते हैं, फिटनेस करते हैं, सब कुछ करते हैं मैम, बट अगर हम दिमाग से हार जाएंगे तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते अपनी बॉक्सिंग रिंग में. तो उसके लिए हमें माइंड से बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत पॉजिटिव होना पड़ता है मैम. फाइट को देख के हमको अंडर प्रेशर नहीं होना, मतलब कोशिश करते हैं अंडर प्रेशर ना हो, बिकॉज सिचुएशन वैसी होती है मैम, अल्टीमेटली प्रेशर आता है, बट कंट्रोल करते हैं, माइंड से स्ट्रांग रहते हैं कि जितना मेहनत करा है उसको अगर परफॉर्म करना है वो माइंड से ही कर पाएंगे. अगर माइंड से स्ट्रांग है तो ही हम रिंग में परफॉर्म कर पाएंगे मैम. तो बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है मैम. नहीं, बिल्कुल पते की बात बोली आपने. लेकिन आप कुछ स्पेसिफिकली कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जैसे आपका फिजिकल फिटनेस तो रहता ही है, उसके अलावा कोई और मेंटल, आप स्पेसिफिक मेंटल एक्सरसाइजेस भी कुछ करते हैं, या आपकी कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं, या कुछ क्या सोच रहती है आपकी? मैम फॉर मी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं. आई डोंट टेक एनी लेसन्स और समटाइम्स आई वॉच वीडियोस एंड I just keep myself positive because I don't know, it's inbuilt in me. I try to be positive, ma'am. So, जो भी हो रहा है, it's for a good reason, ma'am. And whatever has to happen will happen. आज भी तो कल वो होगा. So I keep that in mind. I just train for the competition which I'm participating. बाकी it's our luck and it's in our faith, ma'am. अगर जैसा होगा वो होगा. I have to perform my best. That is in my hand, which I can do. So मैं इसको अपने आप को इस तरह से prepare करता हूँ कि जो मेरे में है मेरे को वो देना है. बाकी आई डोंट केयर फॉर द रिजल्ट. आई जस्ट वांट टू गिव माय 100% मैम. एकदम बहुत बढ़िया. आई मीन लाइक डेफिनेटली वी हैव टू गिव आवर 100% एट द मोमेंट, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस के समय भी हमारा पूरे अच्छे से हमारी जो रूटीन है, हमारा जो एक्सरसाइजेज है, कंपटीशन के अलावा भी हमारा जो दिनचर्या है, जो एक्सरसाइजेज वो और प्रैक्टिस है, उसमें भी पूरा 100% हम आई थिंक देना चाहिए. मुझे बताइए आपके जीवन में, आई एम श्योर इतने उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में आते हैं, तो कोई ऐसी कोई चीज़ आपके जीवन में कुछ हुई होगी जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है? क्योंकि मेरा बॉक्सिंग का करियर बहुत लंबा हो गया, जैसे आपने बताया था 2007 में पहला इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेला था मैम. तो तब से मेरे को 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल आया था. 10 साल उसके बीच का गैप था. उसमें मैंने बहुत इंटरनेशनल कंपटीशन खेला, जूनियर भी, सीनियर्स में भी, बट एक कोई मेजर कंपटीशन नहीं आ रहा था जिसमें मेरा मेडल आए. खेला काफ़ी था इवेंट्स, बट मेरा मेडल किसी में नहीं आ रहा था. लोग काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे मेरे को, मेरे डैड को, कि गौरव इंडिया में ही परफॉर्म कर सकता है, इन इंटरनेशनल मेजर इवेंट्स ही कांट परफॉर्म. ऐसे करके काफ़ी बातें आती थी, बट एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस था. और जैसे मेरा ये सपना डैडी का भी था, क्योंकि उनको वो बॉक्सिंग नहीं कंटिन्यू कर पाए थे ड्यू टू फैमिली रीजंस, और उनका सपना देश के लिए मेडल लेके आना बड़े इवेंट में, तो एक वो मेरा टारगेट भी था. तो कोई नहीं, आज नहीं तो आई वाज जस्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, मैं जस्ट अपना ट्रेनिंग में और जो कॉम्पिटिशन खेल रहा था उसमें फोकस था कि भाई उसमें मेरे को अपना 100% देना है. रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड. अगर आना होगा तो आएगा, अगर नहीं आना होगा तो मैं कितना भी कुछ कर लूँ वो आएगा ही नहीं. तो ऐसे करके लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया, काफ़ी डिमोटिवेट होता भी था, बट अगेन मेरा एक टारगेट रहता था कि मेरे को लाना है. जब तक मैं कर रहा हूँ मेरे को टारगेट पूरा करना है. तो उस तरीके से मैं जितना भी लोगों ने बोला उसको ध्यान ही नहीं देता था, बिकॉज लोगों का काम तो है कहना, बोलते हैं ना, तो वही है मैम, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे, बेटर उनको निग्लेक्ट करो और अपने फोकस्ड रहो मैम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके आई एम श्योर आपके कोचेस और आपके जो भी, तो आपके रोल मॉडल कौन है, मतलब आपने आप सबसे ज्यादा प्रेरित किससे होते हैं? मैम वैसे तो काफी बॉक्सर्स है जिनको मैं देख के फॉर बॉक्सिंग एज अ बॉक्सर उनको मैं काफी पसंद करता हूँ, बट एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ पर्सन, बिकॉज बॉक्सर से पहले हम एक इंसान है ना, तो मैं अपने डैडी को देख के करता हूँ। उन्होंने दो तीन साल में उन्होंने जितना एफर्ट किया और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, उन 2-3 साल में उन्होंने काफी नाम कमाया। पूरे इंडिया में उनको लोग भैया जी के नाम से जानते हैं, सारे बॉक्सर्स, इवन कोचेज एंड एवरीवन दे नो हिम विद द नेम ऑफ भैया जी। सो उन्होंने 3-4 साल में इतना नाम कमाया, फिर वो कोच बने, कोच बन के उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनको काफी सपोर्ट किया, उस तरीके से काफी इज्जत उन्होंने कमाई। तो मैं उनको देख के जिस तरह से उन्होंने 3 साल में उस मेहनत में उन्होंने इतना नाम कमाया, मेरे पास तो मैम मेरे कोच भी थे, सब कुछ थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, उसके बाद उन्होंने किया, मेरे पास सब फैसिलिटीज हैं, तो उसके बाद तो ऑफकोर्स मैं उनसे अच्छा करना चाहूँगा ही मैम। तो वो मेरे रोल मॉडल थे कि उन्होंने इतने में इतना किया, तो मेरे को इतने, मेरे पास इतना सारा है, तो मेरे को और भी ज़्यादा करना है। अल्टीमेटली आई डिड इट। अमेजिंग। मुझे बताइए आपके जीवन में कौन सी सबसे अच्छी सलाह किसी ने आपको जो दी हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ हो? तो वो मेरे पापा ही थे, बिकॉज मेरे शुरू से मेरे कोच, मेरे हर चीज मेरे पापा ही थे, मेरे पापा और मेरी मदर, क्योंकि मैं शुरू से ही, मैं किसी स्टेडियम में नहीं गया, मैं कहीं ट्रेनिंग करने नहीं गया। मैं अगर हम नेशनल कैंप में रहते हैं तो हम पटियाला में ट्रेनिंग करते हैं, अदरवाइज उससे मैं अभी बचपन से घर पे ही कर रहा हूँ डैडी के अंडर ही, तो वही मेरे को गाइड करते रहते हैं। तो जैसे मैंने मेरे जो वर्ड्स हैं वो एक्चुअली डैड के हैं, उन्होंने एक सिंबल बोला है, गौरव हमारा काम में से मेहनत करना, उसमें हम 100% देना, उसमें हमें चूक नहीं छोड़नी है, कुछ कमी नहीं छोड़नी है, बाकी जो होना है वो होगा। और कहते हैं ना टारगेट तो हमारा एक कंप्लीट होता है दूसरा बढ़ता है, तो अपना मनोबल डाउन नहीं करना कि एक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट आएगा। अब जैसे मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप तक मेरा सपना था, वो मेरा अचीव हो चुका है, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरा ओलंपिक्स है, तो टारगेट एक के बाद एक आता है, तो ऐसा नहीं कि आपका एक छूट गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन आएगा उसको टारगेट बनाओ, उसमें लाओ, और अल्टीमेटली तो ओलंपिक्स है मैम। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कैसे अपने आपको प्लान करना है मैम। सो आपका जैसे वो उन्होंने आपको सलाह दी कि भाई अपना मनोबल नीचे डाउन नहीं करना है, तो आप अपने आप को वैसे मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं मैम, मैं बस खुश रहता हूँ और आई जस्ट थिंक पॉजिटिव इन व्हाटएवर द सिचुएशन इज मैम, कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, हमेशा आई जस्ट ट्राई टू फाइंड अ पॉजिटिव साइड ऑफ इट एंड आई फोकस्ड ऑन दैट, बिकॉज वो हमारे हाथ में, हम कुछ हमारा, इवन आई थिंक अबाउट माई फ्यूचर, तो क्योंकि हमको नहीं पता क्या होने वाला है, अच्छा होगा गंदा होगा, बट समटाइम्स पीपल जस्ट थिंक यार मेरे साथ वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बिकॉज इट हैजंट हैपन, अभी तक हुआ ही नहीं है वो, तो हाउ कैन यू जस्ट थिंक नेगेटिव अबाउट इट, व्हाई कांट यू थिंक लाइक ऑफ कोर्स आई विल गो एंड आई, सो व्हेनेवर आई गो फॉर कॉम्पिटिशन आई जस्ट एंजॉय, आई जस्ट रोम अराउंड, एट द टाइम ऑफ रेस्ट आई डू प्रॉपर रेस्ट, एट द टाइम ऑफ फाइट आई डू फाइट। So I'm not like kind of just completely into anything. I mean, things and just getting lost. It's not a life, man. Because life is what choti hai. Just do what you are for. But apart from that, just keep yourself free. Keep yourself relaxed. Then only you can perform your best, man. That's amazing. मुझे बताइए ये जैसे अभी आपने बोला कि आपके जो इतना साल का गैप हुआ, आपकी जर्नी काफ़ी लंबी रही है, तो आपने अपनी जर्नी से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या सीखी है, मतलब जो आपको लगता है कि पहले आप जो मिस्टेक कर रहे थे और आपने अपने आप को कैसे और सुधारा है? मैं पहले जैसे विद गेम के पर्सपेक्टिव से सोचता हूँ तो मैं काफ़ी एग्रेसिव था जब बचपन में था, काफ़ी बस मतलब माइंड यूज नहीं करता था, मेरे गेम प्लान्स डिफरेंट होते थे, मैं जस्ट बॉक्सिंग में बॉक्सर्स पे रश करता था। बट धीरे धीरे अब पहले वो बॉक्सिंग थी जिसमें मैम हम मार धाड़ होती थी, अब की बॉक्सिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है, काफ़ी हर चीज स्टेप बाय स्टेप हमें करेक्ट करनी चाहिए, बीट मेंटल स्ट्रेंथ, बीट योर फिजिकल, बीट योर रिफ्लेक्सेस, में काफ़ी साइंटिफिक हो चुकी है हमारी बॉक्सिंग ना अभी। अब वो पहले वाली नहीं कि मारो तो वो बॉक्सिंग नहीं, अब काफ़ी हमें तालमेल करके अपने फुटवर्क्स, अपने मूवमेंट, सब कुछ सब कुछ का तालमेल बना के हम कोऑर्डिनेशन करके ही हम परफॉर्म कर पाते हैं। धीरे धीरे मैं सब कुछ सीखा हूँ विद द टाइम, जैसे द टाइम में मैं जान पाया हूँ अपने आप को, अपने गेम को, और जैसा भी करंटली वर्ल्ड लेवल में चल रहा है उस तरीके से अपने आप को ढालना। और ऐसे कर करके मैंने थोड़ा सा पीस लाके, थोड़ा सा शांत स्वभाव से, दिमाग से बॉक्सिंग रिंग में खेलना, उस तरीके से करके मैं अल्टीमेटली यहाँ तक मैं पहुँचा था। मैं वंडरफुल। अच्छा, सो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? I would like to say, like, हम जैसे मैंने आपको पहले जब आपके पहले क्वेश्चन में बताया था, हमारी जो किस्मत में हमें मिलेगा आज नहीं तो कल, अगर नहीं है तो मैं वो नहीं मिलेगा। पर हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना और अपना जिस भी फील्ड में है, जिस भी चीज़ में है, हमको सिर्फ अपना 100% देना है, उसमें चूक नहीं छोड़नी, बिकॉज वो हमारे हाथ में है। बाकी किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में, हम कर्म करते हैं, बाकी रिजल्ट जो आएगा उसको एक्सेप्ट करो और कीप मूविंग फॉरवर्ड में। सुपर। सो अभी हम रैपिड फायर क्वेश्चंस पे आते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, कूल। सो आपका फेवरेट गाना कौन सा है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है? मेरा वो शाहरुख खान चकते इंडिया मूवी का जो गाना है वो हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में रहता है, काफी इंस्पायरिंग था। अच्छा। तो उसमें भी हमारी इंडियन टीम होती है, वो परफॉर्म करती है और उनको बूस्ट अप करने के लिए गाना था। तो हमारी भी सेम एक सिचुएशन सेम ही, हम भी एथलीट हैं और हम भी देश के लिए खेलते हैं, तो वो गाना बहुत पसंद है। आपका फेवरेट एथलीट कौन है? अब मेरे इंडिया में आई फॉलो बॉक्सिंग में मैरी कॉम दीदी एंड विजेंद्र भाई, क्योंकि विजेंद्र भाई जो थे उन्होंने ही हमारे पूरे वर्ल्ड लेवल में हमारे मेंस बॉक्सिंग का एक्चुअली नाम किया है। वो पहले ही इंडियन हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल दिया है हमारे देश को बॉक्सिंग में, और पहले ही मेल बॉक्सर है जिन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारे देश का नाम रोशन किया है पूरे वर्ल्ड पे। और अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाम किया, उसके बाद उन्होंने उसको आई मीन लोगों के सामने आए भी हैं। हमारे यूजली क्या होता है, हमारे एथलीट्स देश के लिए खेलते हैं, बहुत बड़ी बात है, बट उसके बाद वो सब गायब हो जाते हैं। बट विजेंद्र भाई से मैंने काफ़ी कुछ देखा है और सीखा है। वो ऐसा नहीं मेडल आने के बाद वो भी बैठ गए, उन्होंने क्या फील्ड में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन इन मूवीज, इन रियलिटी शोज, सब चीज़ में वो आए, इवन मॉडलिंग, जहाँ पे उनको मौका मिला उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। मैम जो उनका मेडल था उसको यूज़ किया, तो उससे मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। एंड प्लस मैरी कॉम दीदी जो हमारी लेजेंड है बॉक्सिंग की, पूरे वर्ल्ड की ही लेजेंड है, हमारे इंडिया की नहीं। उनका जो सेक्रीफाइस है, उनका जो वो काफ़ी इंस्पायरिंग है मैम। उन्होंने बीइंग अ मदर एंड इवन बीइंग अ वुमेन उसके बाद उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया इतनी ज़्यादा एज पे मैम, तो काफ़ी इंस्पायरिंग है, वो लेजेंड है मैम। अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ल्ड बॉक्सर्स में मैं वेदर को फॉलो करता हूँ। आई लाइक हिम, द वे ही फॉट एंड द लाइफस्टाइल एक्चुअली ही इज हैविंग इज वेरी, ही वाज वन ऑफ द रिचेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन फॉर फ्यू ईयर्स in the world, ma'am. So kind of, yeah, these few athletes are like my inspiration, ma'am. एक ऐसी सुपर पावर जो आप चाहते हो कि आपके पास हो? सुपर पावर मैम वही, मैं सबको खुश रख पाऊँ मैम। जो किसी को भी अगर मेरे को दिखे कोई दुख है और मेरे पास ऐसा कुछ हो कि मैं उनको उनका दुख दूर कर दूँ। अरे वाह। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? मैम मेरे को खोआ बहुत पसंद है, जो मेरी मम्मी बनाती है। वो दूध को गर्म करके उसमें से खोआ निकाल के उसमें फिर बूरा वगैरह डाल के काफ़ी टेस्टी बनाते हैं। मैं जब घर पे रहता हूँ मैं हमेशा वही ज़्यादा खाता हूँ, स्वीट डिश में मेरे लिए वही मिलता है मैम। आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? नॉट अ बुकिश पर्सन मैम। अच्छा, ओके। बॉक्सिंग के अलावा आपकी कौन सी हॉबी है? आई लव फुटबॉल, और बाकी आई लव ड्रेसिंग, आई लव शूज, डिफरेंट टाइप ऑफ शूज, डिफरेंट टाइप ऑफ वॉचेज, विंटेज वॉचेज, एंड आई लव गेटिंग डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, सो दीज आर माय हॉबीज मैम। बॉक्सिंग के बारे में आपकी सबसे ज़्यादा फेवरेट मेमोरी? मैम मैं जैसे बताया 2017 में, मैं उससे पहले मैं एक टाइम आ गया था, काफ़ी लोग क्रिटिसाइज वगैरह करते थे, और बॉक्सिंग में फिर एक टाइम आ गया था शायद मैं बॉक्सिंग ऐसी छोड़ूंगा, बस मेरे को लोग जानेंगे हाँ गौरव बिधुरी खेलता था, बॉक्सर था, बस करके। बट जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेडल आया तो एक अलग ही मूवमेंट था मैम, एक पहचान मिल गई थी। तो वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता। और मेरे डैडी वगैरह जो घर पे जो उनकी खुशी थी, उनके घर पे मीडिया आ रही थी, घर पे उन सबको पूछ रहे थे, सब लोग घर पे आके विश कर रहे थे फोन पे लेके। तो मैं वो मोमेंट आई कांट एक्चुअली फॉरगेट मैम। थैंक यू सो मच गौरव इस सुपर अमेजिंग सेशन के लिए और आपका वैल्यूबल समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज माय प्लेजर मैम। So, और इसी के साथ हम आज का एपिसोड यहाँ समाप्त करते हैं। इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का मेरा प्रेम भरा शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के प्रेरणादायक वीडियोस को एंजॉय करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।